हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब एकदम बढ़िया हो गए और मस्त पढ़ रहे हो। चलो आ जाओ दोस्त, आज अपन देखने क्या जा रहे हैं। आज अपन देखने जा रहे हैं दोस्त, टॉवल ऑफ अनोई प्रॉब्लम क्या होती है और उसका रिकर्सिव कोड क्या होता है, ठीक है? वो अपन डिस्कस करने वाले। देखो दोस्त जी, आपके सामने मैंने एक रिकर्सिव कोड लिखा है टॉवल ऑफ अनोई प्रॉब्लम का। चलो इसे देखते हैं, इसमें क्या है सब। ठीक है दोस्त, मैंने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले मैन में अपन ने क्या लिखा है, टू डिस्क के लिए टॉवल ऑफ अनोई को कॉल किया है सिंपली। ठीक है, जो टॉवल ऑफ अनोई फंक्शन अपन ने बनाया है उसे सीधा मैंने कॉल कॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे ए का क्या मतलब है, फ्रॉम। ठीक है, सी का मतलब है टू, मतलब फ्रॉम कहाँ से कहाँ, और बी का मतलब है ऑक्सिलरी। देखो दोस्त इससे, ठीक है, इसका मतलब आपको पता है, जिस अपन ने कैरेक्टर दे दिए, ए का मतलब है फ्रॉम, सी का मतलब है टू और बी का मतलब है ऑक्सिलरी। आ जाओ अब जी, आपका फंक्शन बना है। ठीक है, यहाँ पे एन मतलब कितनी डिस्क है और कैरेक्टर में अपन ने लिया है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, जिससे, क्या होता है दोस्त, जिससे, कैल टू, जिसमें, जिसमें, और ऑक्सिलरी का मतलब है क्या, किसको यूज करके, किसको यूज करते, करते। ठीक है, आई थिंक दोस्त आपको समझ में आया होगा। फ्रॉम का मतलब है जिससे, कैरेक्टर का मतलब, कैरेक्टर टू का मतलब है जिसमें, और ऑक्सिलरी का मतलब है किसको यूज कर करके। ठीक है दोस्त, चलो आ जाओ। अब देखो दोस्त, अगर आपके पास मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं, देखो दोस्त आपके पास जितनी तीन लॉर्ड है, ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही प्लेट है सब। ठीक है, एक ही प्लेट है, तो अपन ने क्या करना है, अगर एन बराबर वन है, मतलब एक ही प्लेट है बोले तो बेस केस, तो अपन ने सीधा क्या करा देना है, इसे फ्रॉम से टू में मूव करा देना है, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा टारगेट क्या है, फ्रॉम से टू में ले जाना। ए बी सी, ए का मतलब क्या है, फ्रॉम, बी का मतलब है ऑक्सिलरी और सी का मतलब है टू, तो अपन क्या करेंगे, फ्रॉम से टू में ले जाना है। देखो दोस्तों ये लिखा, अगर एन बराबर वन है तो सीधा आप क्या कर दो, फ्रॉम से टू में ले आओ। ठीक है दोस्त, तो अपन ने पता है ए अपना जे है, सी अपना टू है, तो अपन ए एल ओ सी कर देंगे। देखो यहाँ पे देखो, परसेंटेज सी बोले तो फ्रॉम मतलब ए, और परसेंटेज सी बोले तो क्या, टू, तो यहाँ पे बी, और जे एल ओ लगा है आपका। ठीक है, तो सिंपली ए से सी आप मूव करा दो और उसके बाद क्या है, लेटन, तो यहाँ से लेटन हो जाओ अगर बेस केस है। लेकिन अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चलो एक एग्जांपल और यहाँ पे देखते हैं। अब क्या देखते हैं सर, अगर मानो यहाँ पे प्लेट, जो प्लेट्स है ना जी, एक से ज्यादा है, मतलब सर तीन प्लेट्स हैं, चलो जी आपकी तीन प्लेट्स है। ठीक है, आपकी यहाँ पे एक और लॉर्ड है, एक और लॉर्ड है, जी आपकी ए है, जी आपकी बी है और जी आपकी सी है। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्त, ए से बी सी तक ले जाना है, मतलब जे आपका फ्रॉम है, जे आपका टू है और जे आपका ऑक्सिलरी है, आपको क्या करना है, फ्रॉम से टू नो ले जाना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे दोस्त, अब एन बराबर बन है क्या, नहीं सर, जी कंडीशन को फॉल्स हो गई, मतलब बेस केस नहीं है, आपका यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, रिकर्सन यूज होगा। अब देखो अपन ने क्या करना है दोस्त, जे इक्वल टू नहीं है, जे क्या है, माइनस है, मतलब अपन टॉवल ऑफ अनोई कॉल करेंगे एन माइनस वन के लिए। एन माइनस वन बोले तो सर, अगर मैं बोलूँ आपके पास तीन प्लेट है, ठीक है, तो एन माइनस वन का क्या मतलब हुई, टू प्लेट हुई। अगर आपके पास एन प्लेट होंगी तो एन माइनस वन होगा, मतलब एक कम, अगर तीन प्लेट हैं तो दो, अगर चार प्लेटें होती तो तीन। ठीक है, आया बात समझ में, आई थिंक आई होगी। तो अपन ने क्या कराना है, इन दो प्लेटों को, जो ऊपर वाली प्लेट है, इनके साथ क्या करना है दोस्त, फ्रॉम से ऑक्सिलरी में डालना है। क्या करना है, फ्रॉम से ऑक्सिलरी, फ्रॉम जे है, ऑक्सिलरी जे है, तो अपन ऊपर की दो प्लेटों को क्या कराएंगे दोस्त, यहाँ से मूव करा के कहाँ ले जाएंगे, ऑक्सिलरी में ले जाएंगे, सिंपल। कहाँ ले आए दोस्त, अपन यहाँ पे ले आए, मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ, कलर की टेंशन मत लेना। ठीक है, ऑक्सिलरी में ले आए। ठीक है, आ गया सर मुझे ये बात समझ में। अब क्या करना है दोस्त, अब देखो अब यहाँ पे क्या बचा, एक ही प्लेट बचा, एक ही प्लेट है ना दोस्त, तो अपन एक प्लेट के लिए क्या करेंगे, एक सिंपल स्टेटमेंट चला देंगे, क्या चला देंगे, फ्रॉम से टू में ला दो सो। ठीक है, फ्रॉम से टू, फ्रॉम क्या है, जे है अपना, टू क्या है अपना, जे है सी, तो अपन ए से ए टू सी कर देंगे, और जे यहाँ से क्या हो जाएगी दोस्त, यहाँ से मूव होने के बाद क्या हो जाएगी दोस्त,
ये काय में आ जाएगी, सिंपली यहाँ पे आ जाएगी। और फिर अपन क्या कर देंगे दोस्त, लास्ट लास्ट वाला देखो, एन माइनस वन, जो जी एन माइनस वन प्लेट्स है ना, इन्हें क्या कर देंगे ऑक्सिलरी से टू में डाल देंगे यूजिंग फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो दो प्लेट है ना दोस्त, ये कहाँ पे आ जाएंगी, ऑक्सिलरी से टू में आ जाएंगी यहाँ पे, ऐसा ऐसा। लो अपना जे टास्क था ना दोस्त कि फ्रॉम से टू में लाना है, और कोई भी बड़ी प्लेट छोटी प्लेट के ऊपर नहीं आनी चाहिए, तो ना बड़ी प्लेट छोटी प्लेट के ऊपर आई और अपन ने फ्रॉम से टू में ला दिया। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। चलो दोस्त अब अपन रिकर्सन ट्री बना के देखते हैं, टू एन बराबर टू के लिए कैसे बनाते हैं। टी ओ एच आपने कॉल किया क्या के लिए, टू के लिए। ए आपका क्या है फ्रॉम, सी आपका क्या है टू, और बी आपका क्या है ऑक्सिलरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिकर्सन में कितने फंक्शन स्टेप्स हैं आपके, कितने स्टेटमेंट हैं, तीन। कहाँ पे हैं सर, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों स्टेटमेंट कॉल होंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या है दोस्त, एन माइनस वन फ्रॉम से ऑक्सिलरी यूजिंग टू, फ्रॉम से ऑक्सिलरी यूजिंग टू। देखो यहाँ पे देखो एन माइनस वन बोले तो वन आ जाएगा टू की जगह पे। अब क्या करना है, फ्रॉम से ऑक्सिलरी, जे आपका फ्रॉम है, जे आपका टू है, और जे आपका ऑक्सिलरी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम से ऑक्सिलरी यूजिंग टू, मतलब फ्रॉम से ऑक्सिलरी, तो अपने ए से बी डालना है यूजिंग सी, ठीक है, मतलब यूजिंग टू। और फिर उसके बाद क्या है दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा है आपका फ्रॉम टू, फ्रॉम से टू, सीधा फ्रॉम से टू। अब फ्रॉम से टू क्या आएगा दोस्त, फ्रॉम क्या है ए और टू क्या है सी, तो सीधा प्रिंट हो जाएगा ए एल ओ सी। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद क्या है दोस्त, इसके बाद है एन माइनस वन के लिए ऑक्सिलरी से टू यूजिंग फ्रॉम, ऑक्सिलरी से टू यूजिंग फ्रॉम। देखो दोस्त अब क्या है, अब क्या आएगा एन माइनस वन के लिए, मतलब टू है, टू एन माइनस वन करोगे तो बन आ जाएगा आपका क्या है ऑक्सिलरी। देखो यहाँ पे क्या है दोस्त, ऑक्सिलरी से टू यूजिंग फ्रॉम, ऑक्सिलरी क्या है दोस्त इसमें वी है, बी है, ठीक है। काय में टू में, टू क्या है सी, यूजिंग क्या है दोस्त फ्रॉम, मतलब ए। देख लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी से टू में यूजिंग फ्रॉम, आई बात समझ में। यहाँ पे क्या है, जे आपका ऑक्सिलरी है से टू में यूजिंग फ्रॉम, सिंपल दोस्त हो गया सर। अब देखो अब एन बराबर क्या है वन, अपन क्या करते हैं एन बराबर वन के लिए बेस्ट केस डायरेक्ट फ्रॉम से टू में डाल देते हैं। यहाँ पे आपका ये क्या है फ्रॉम ए है और टू क्या है आपका बी, तो अपन क्या कर देंगे ए टू बी कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या है दोस्त आपका, ये भी बेस्ट केस है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, फ्रॉम आपका जे बनेगा और टू आपका जे बनेगा, तो आप यहाँ क्या कर दोगे बी से सी। देखो अब आप इसे ट्रेस करोगे रिकर्सन को, आप क्या करोगे दोस्त इस रिकर्सन को आप क्या करोगे, आप ट्रेस करोगे। ट्रेस कैसे करते हैं देखो, पहली मूव पहली विजिट से क्या होगा, जे आपका स्टैक में फंस होगा, पहली विजिट स्टैक में फंस होगा। अब यहाँ पे जे दूसरी विजिट होगी तो इसे अपन क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, सीधा पॉप आउट करा देंगे, मतलब स्टैक में से। फिर इसके बाद पहली विजिट दूसरी विजिट इसे पॉप आउट करा देंगे दूसरी विजिट में। अब पहली विजिट यहाँ पे हुई और दूसरी विजिट यहाँ पे हुई दोस्त, तो इसे भी पॉप आउट करा देंगे, ठीक है। और फिर इसे अपना पूरा रिकर्सन ऐसे ट्रेस हो जाएगा, तो अपना आउटपुट क्या आएगा रिकर्सन को ट्रेस करने के बाद, एक से ए से बी, ए से सी और बी से सी, जे आ गया आपका क्या आउटपुट। चलो अब दोस्त इसे अपन क्या करते हैं, इसे अपन देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। मान लो दोस्त आपने जे तीन लॉर्ड ले ली, ठीक है, जे क्या है आपकी ए है, जे आपकी बी है और जे आपकी सी है, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे ले ली तीन प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट, देन उससे छोटी प्लेट और देन सबसे छोटी प्लेट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए से बी करो एन माइनस वन को, एन माइनस वन जे है, इसे ए से बी में लाना है। देखो सबसे पहले क्या आएगी, जे वाली आएगी, फिर आएगी आपकी ब्लैक वाली, तो यहाँ से जे दो क्या हो जाएंगे दोस्त, बॉस हो जाएंगे ए से बी के लिए, ठीक है, ओके सर हो गया। अब क्या बोला, ए से सी करो, ए से सी करो जे वाली प्लेट, तो चलो इसे ए से सी कर दिया सर अपन ने, ठीक है, ए से सी।
लूसफ जी यहाँ पे आ गई ए से सी। अब क्या बोला है अभी, बी से सी का लो, जो आपकी बची है ना एन माइनस वन, इसे क्या कर लो दोस्त, आप इसे आप कर दो कहाँ से कहाँ, बी से सी, तो यहाँ पे आ जाएंगी लास्ट दो एक और जी सबसे छोटी। लो दोस्त, ओ भाई साहब जी, तो फ्रॉम से टू में आके और अपन ने जी तीन क्या की यहाँ पे मूव्स की, मिला आपको वैलिड सॉल्यूशन आपने तीन की। अब अपन रिकर्सन अपन ने कैसे ट्रेस किया, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। देखो जे आपका क्या है, जे है आपका टॉवल ऑफ अनवाई का रिकर्सिव कोड दोस्तों, जे आपका क्या है रिकर्सन ट्री कैसे बनाते हैं और उसे ट्रेस कैसे करते हैं। देखो दोस्त, अभी अपन ने काय के लिए कराया है, एन बराबर टू के लिए, आप चाहो तो इसी के लिए काय के लिए करा सकते हो दोस्त, एन बराबर थ्री के लिए, एन बराबर फोर के लिए, एन बराबर फाइव के लिए, आपको जितने के लिए कराना है आप करा सकते हो, है ना। लेकिन जी है दोस्त, रिकर्सन ट्री बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। अगर आप बोलो चलो ठीक है लेने तो दो, इतना आपको समझ में आया होगा दोस्त, अगर आप बोलोगे तो एन माइनस वन के लिए मैं नेक्स्ट भी, एन माइनस थ्री के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा एक, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं चाहता कि बिना फालतू में वीडियो की लेंथ बढ़े एक ही चीज को। आई थिंक मैंने इतना बताया आपको, इतने में चीजें समझ में आई होगी। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीजों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और एकदम अपना बेस्ट देते रहिए। ओके दोस्त, और जो बच्चे इस वीडियो को देखें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे #वॉरियर्स।